नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं फोकस टी पॉइंट, मैं हूं सोनिया। इस समय की तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किसानों द्वारा नारेबाजी की जा रही है। एक किसान है जो कि कल रात को जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर पुलिस द्वारा धक्केशाही की गई थी, उसी के चलते किसान लगातार रात से ही दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुके हैं। आज की बात करूं, आज से भी किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रशासन किसानों के साथ धक्केशाही कर रहा है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। पहले उन पर 3 काले कानून थोपे गए, उसके बाद अब इनको उठाने की भी बात कही जा रही है, जो कि किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जिसके चलते 26 के बाद आज कल रात से फिर से दिल्ली की कूच हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या मुद्दा है जिसको लेकर के ये दोबारा से दिल्ली कूच कर रहे हैं। जब से ये दमनकारी नीति सरकार ने अपनाई है हमारे बॉर्डरों के ऊपर, जो शांतिमय हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जाति की है, उसको उठाने का प्रयास किया है। तो हमारे जब किसान नेता राकेश टिकैत जी ने आंखें भर के पूरे देश के किसान को, मजदूर को अपील की, उसको देखते हुए रात ही हजारों की गिनती में ट्राली ट्रैक्टर लेकर हमारे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग ज़िलों से हमारे लोग निकल पड़े थे। कुछ आज सुबह मैं टीवी देख रहा था, इंटरव्यू देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर में, वहाँ लोग कह रहे थे मैं अभी 4 बजे पहुँचा हूँ, कोई कहता मैं 3 बजे पहुँचा हूँ। लाखों किसान हमारे दोबारा उन्हीं बॉर्डरों पर जा रहे हैं। ये दुष्प्रचार, इन जो गद्दार लोग जो हमारे को तिरंगे का अपमान करने वाले बोल रहे हैं, ये लोग जिनको तिरंगे की नॉलेज नहीं है, जिनको तिरंगे का पता नहीं है, आपने कितने सोशल मीडिया पे आपने बातें सुनी होगी इन लोगों की, अब ये लोग हमारे को सिखा रहे हैं तिरंगे का अपमान हुआ है, जहाँ मान कैसे करेंगे। हमारे किसान का और मजदूर का बच्चा जब बॉर्डरों पे रक्षा करता है, जब उसकी पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट के आता है, हमारे को पता है तिरंगे का सम्मान क्या होता है। इन लोगों ने हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार किया, लाठी चार्ज किया, वो हमारे बच्चे हैं जो हमारे पुलिस वाले हैं, जवान हैं। इस गंदी सरकार ने हमारे को आपस में बढ़ाया, हमारे सामने हमारे बच्चे थे, इधर हमारे किसान थे, जहाँ इधर किसान थे उधर उनके बाप थे, आपस में बढ़ाने का काम किया। ये गंदी राजनीति नहीं चलेगी, आगे से नहीं चलेंगे। किसान पहले से भी ज़्यादा जो गंद था वो निकल गया, जो दीप सिद्धू, लखा सिदाना, जो पंधेर जैसे गंदे लोग थे, जो ये RSS और इनके पिट्ठू थे, वो अभी किसान आंदोलन से निकल गए हैं। बिल्कुल किसानी और मजदूर का निरोल आंदोलन है। इस आंदोलन के लिए गांव मोड़ा वाली से हमारे हजारों किसान ट्रैक्टरों और पिकअप गाड़ियों से, कारों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगाता पूरा देश उस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है। जो यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो पुलिस भेजी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए अपने चैनलों के माध्यम से देख लिया होगा, सारी वापस आ गई है। उन्होंने हमारे इंजेक्शन लगा के देखा था भी किसान में खून है कि नहीं है, लेकिन किसान का खून जब ये एक किसान एक पौधा लगाता है, फसल बीजता है, 6 महीने के लिए इंतज़ार करता है, जब किन्नू का बाग लगाता है तो 5 साल के लिए उसके फल के लिए इंतज़ार करता है, तो ये किसान बहुत ठंडी और कौम है। हमारे चाचा अजीत सिंह ने 9 महीने आंदोलन लड़ा था, 9 महीने तो हम लड़ने के बाद सोचेंगे कितने महीने और लड़ना है। ये आंदोलन लंबा चलेगा और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक ये सरकार 3 काले कानून रद्द नहीं करती, MSP का कानून, गारंटी कानून नहीं बनाती और पराली बिल, बिजली बिल रद्द नहीं करती। और हम इन RSS वालों से और ये गोदी मीडिया वालों से और ये जो छलांगे लगा रहे थे, जैसे हमारे खेत में पानी लगाते हैं ना भाई, किसान भाई, तो चूहा निकल आता है खुद से बाहर, ये कई बार चूहे के ऊपर मिट्टी का टप्पा डालते हैं फिर उसको अंदर कर देते हैं। ये 2-3 दिन के लिए निकले थे ये गोदी मीडिया वाले और ये IT सेल वाले, BJP वाले, अब इनको मिट्टी डाल के नीचे कर दिया है। रात का कोई किसान का बच्चा, कोई किसान नहीं सोया, सारे जागते थे, मैं खुद 4 बजे सोया हूँ, 2 घंटे के लिए सोया हूँ। हम सारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लाइव थे, पूरी 1-1 मिनट की, पल पल की हम खबर रेल थे वहाँ की भी क्या है। हमारे सारे लोग, सारे हमारे जो साथी हैं, किसान साथी, मजदूर साथी, रात के पहुँचने शुरू हो गए हैं। अब ये आंदोलन किसानों का कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, हम शांत थे, शांत हैं, शांत रहेंगे, हमने पहले भी हड़दंग नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, ये हमारा आंदोलन शांति प्रिय है, हम जीत के वापस आएंगे। मेरी बात सुनो, 26 से पहले 3 दिन तक लगातार ट्रैक्टर वहाँ जा रहे थे और वो परेड के लिए गए थे, अगर वो एक दिन वापस आ गए और खेतों में काम करने के लिए वापस फिर जा रहे हैं, जैसे रात को टिकैत साहब के साथ हुआ, वो रोए हैं, उनके लिए सारा देश जाग उठा है। अब मैं बताऊँ, ये जोश 100 गुना ज़्यादा हो गया है,
इसके अंदर सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी वो फेल हो चुकी है। हर एक गांव से ट्रैक्टर ट्राली, लोगों में फिर जोश है। ये जो आप दीप सिंधु की रोबोट बात कर रहे हैं, जब 300 आदमी 10 लाख दिखाई नहीं दे रहे, 300 आदमी इनको दिखाई देंगे? लाल किले पर पहुंच गए वो, ये आप देखना। सारे समझदार हैं, इनको पहले था भी, अनपढ़ है, किसान अनपढ़ नहीं है, वो सब कुछ चलाता है, सोशल मीडिया किसान चलाता है, उसको पता चल गया। अब आप देखना इस आंदोलन का जोश, तीनों कानून रद्द करें। मोदी साहब अब भी समझ जाएं, अभी भी टाइम है। गलत होगा अगर ये किसानों के साथ रात फोर्स लगा रखी है, आपने देखा होगा मीडिया कैसे दिखा रही है, तो ये गलत है बहुत। अब 10 गुना ज़्यादा जोश है। मेरे गांव से 35-40 साधन वहाँ से चल पड़े हैं। मेरे गांव में कोई नहीं है औरतों के सिवाय, सारे खारिया देख लो, पनीवाला मोटा देख लो, मेरे बार बार 20-25 गांव है। सारे गांवों से यही अपडेट आ रही है कि अब दोबारा दिल्ली जा रहे हैं। हम आए थे पानी लगाने के लिए खेतों में 2 दिन के लिए, इन्होंने रूमर फैला दिया, वहाँ से किसान भाग गए। आप जाके तो देखो ना वहाँ भी किसान कैसे भाग गए। किसान 2 साल तक नहीं भागेगा इनके मन में कुछ हो। वो ट्रैक्टर वापसी में दिखा दिए और कह रहे किसान भाग गए, तो कोई किसान भागने वाला नहीं है। अब जोर शोर से दोबारा जा रहे हैं वहाँ। ये गवर्नमेंट आप अपना रही है, क्योंकि कल शाम को जो हुआ टिकैत साहब के साथ, वहाँ पर बीजेपी के 2 विधायक और 400 मतलब वर्कर आ करके उनको गाड़ी गलोच करी है, उनके लठ मारने, वो लठ उठा करके उन्होंने ये मतलब दोगली नीति उन्होंने अपनाई है सरकार ने। 2 विधायक हैं वहाँ के बीजेपी के, और वो ये दोगली नीति तो वो अपना रहे हैं जी। टिकैत साहब के जब आंसू हमने देखे आंखों में, तो सारे हिंदुस्तान के अंदर ये रोया है जी। उस टाइम हर किसान के आंखों में आंसू थे, जो किसान है और जो गोदी मीडिया है, जो ये मोदी के दल्ले हैं, उनको तो क्या होना है जी। किसान है वो तो रोएगा जी, उसकी आत्मा रोएगी उस टिकैत साहब के लिए। राकेश का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्र सरकार अपनी हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार अपनी तानाशाही बंद